Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are going to discuss motion in a plane and this is lecture number 2. I hope you have already watched part 1 before watching this part 2. इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में. पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि पोजीशन वेक्टर कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं और पोजीशन वेक्टर टू डायमेंशन में कैसे लिखा जाता है. इसी तरह से हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था और एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया था. आज हम बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की. पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर सेम रहे किसी टाइम इंटरवल में, यानी वो बदले नहीं, एक ही रेट से बदलता रहे, और तो हम उसे कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो गया, जीरो, और उस स्थिति में एक्सेलरेशन जीरो होगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वेलोसिटी जीरो होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड बेसिक नहीं होता लेकिन उसकी डायरेक्शन होती है. जैसे हम किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं और एक फिक्स पॉइंट पर जा करके जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, और स्पीड कम होते होते एक्सेलरेशन हमेशा किधर की ओर लगता है, डायरेक्टेड इनवर्ड, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ग्रेविटी लगता है. तो जब बॉल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है तो उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है, तो उसको हम निगेटिव मानते हैं. जब ऊपर से नीचे आता है तब भी एक्सेलरेशन क्या होता है, वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी लगता है, तो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं. ये सब बात आपने 9th-10th क्लास में सीख लिया होगा. लेकिन जब वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के जब वेलोसिटी धीरे धीरे बॉल का घटते घटते ऊपर जाके जीरो हो जाता है, तो वैसी स्थिति में वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है बट एक्सेलरेशन फिर भी वहां काम कर रहा होता है. तो ऐसे ही स्थिति में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कई बार जीरो भी होती है बट एक्सेलरेशन तो होता है. लेकिन अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें चेंज जीरो है, और चेंज जीरो होने की वजह से उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, उसको हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन. लेकिन बॉडी अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और चेंज भी किस तरह से कर रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है, और अगर जो चेंज है वो फिक्स्ड है तो हम उसे कहेंगे कि क्या है, ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. तो बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से शुरुआत करते हैं. कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम बात करते हैं मोशन ऑफ ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन. विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन सो लेट अस डिस्कस. मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की जब हम ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं उस समय के टाइम को जीरो मानते हैं. उस समय के टाइम को हम क्या मानते हैं, जीरो. और जब हम कोई इंटरवल होती है तो उस समय के फिर के टाइम को रिकॉर्ड करते हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस को टाइम इंटरवल कहते हैं. जैसे आज आपने शुरू किया पढ़ाई करना, तो आप 15 दिन के बाद कहेंगे कि हम 15 दिन से पढ़ रहे हैं. कब से, तो आज से शुरू किया, आज के पहले के टाइम को जीरो मान लिया, आज एकदम जीरो हुआ, आज से 15 दिन गिनना शुरू किया. वैसे ही टाइम जो है वो क्या होता है, इंटरवल, कि जब हम स्टार्ट करते हैं तब के टाइम को हम जीरो मानते हैं. मान लेते हैं कि लेट ए बॉडी इज मूविंग इन ए प्लेन विथ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वी नॉट, ये मान लिया इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट. कब, When time is zero, ये मान लेते हैं. टाइम कभी जीरो होता नहीं है वैसे, ये एक कंसेप्चुअल चीज है. When t is equal to zero, and after time t, its velocity changes to v naught. ठीक है ना, ये हो गया v से v naught, और v naught से v हो गया. When time is t,
इसका मतलब टाइम इंटरवल जो है वो टी ही हुआ, टी माइनस जीरो दैट इज टी. सो चेंज इन वेलोसिटी, देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी विल बी व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो ये हो गया पूरा, ठीक है. यानी वी नॉट, वी वेलोसिटी है फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट. कितने समय में चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल, टी माइनस जीरो दैट इज टी, टी माइनस जीरो. अब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज निकालना है. एक्सलेशन इज व्हाट, दैट इज रेट ऑफ चेंज. सो रेट ऑफ, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय व्हाट, दैट इज वी माइनस वी नॉट अपॉन टी. एंड वी नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन. सो देयरफॉर एक्सलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट बाय टी, और वी कैन से ए टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट. और फर्दर वी कैन राइट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी. ये इधर आके प्लस हो गया, प्लस ए इंटू टी. सो दिस इज वन एक्सप्रेशन विच यू हैव लर्न इन क्लास नाइन्थ इटसेल्फ. एंड वहां पे हम इस्तेमाल करते थे वी नॉट के बजाय यू कहते थे, इनिशियल वेलोसिटी को यू कहते थे और फाइनल वेलोसिटी को वी कहते थे. यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट लिया है, थोड़ा स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है इसलिए लिया है. नाम में क्या रखा है, ऐसी बात नहीं है, नाम में ही बहुत कुछ रखा है और नाम तो है ही, लेकिन मतलब एक में एक ही है, चाहे नाम अलग अलग हो मतलब एक ही है. तो वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी हो गया. अब ये वेलोसिटी हमने कहा था कि टू डायमेंशनल होता है. एक मूवमेंट, किसी पार्टिकल का अगर हम मूवमेंट की बात करें तो एक एक्सिस के अलोंग जब मूवमेंट होती है तो उसके दो तरफ मूवमेंट होती है, एक वर्टिकल मूवमेंट और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है. जैसे हम ये कहें कि ये टू डायमेंशन में एक प्लेन है और इस प्लेन में ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस और यहाँ पे कोई पार्टिकल है और कोई पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहा है. तो ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसकी पोजिशन देखिए, यहाँ पे जो पोजिशन है तो x एक्सिस कुछ और है, यहाँ पे इसकी x एक्सिस का पोजीशन कुछ और होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा. यहाँ पे जब हम जा रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इसका x कोऑर्डिनेट कुछ अलग हो रहा है, x कोऑर्डिनेट भी यहाँ से बढ़ के यहाँ तक जा रहा है. यानी इनिशियल अगर x नॉट है जहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, ये वो जगह है जहाँ पे टाइम t था, यहाँ पर वेलोसिटी v नॉट था और यहाँ पे ये टाइम t है, t इज इक्वल टू टाइम इज t, यहाँ पे वेलोसिटी v है. तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट में भी चेंज हो रहा है. यानी वेलोसिटी x कोऑर्डिनेट में चेंज इसलिए हो रहा है कि वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस भी है और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस भी है, दोनों कंपोनेंट है. x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो x कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है, y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो y कोऑर्डिनेट को चेंज करने का काम कर रहा है. तो इस तरीके से यहाँ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों में चेंज हो रहा है. इसका मतलब है कि दो कंपोनेंट वेलोसिटी के हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये चेंज करने का काम कर रहे हैं. तो ये है कंपोनेंट जो चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट काम कर रहे हैं. तो अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस एंड टाइम t, ठीक है ना. इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी ऑफ अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस एंड t. तो ये इसके दो कंपोनेंट हो गए, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी.
तो इस तरह से एक्सेलरेशन जो है किसी भी पार्टिकल का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये छोटे से टाइम इंटरवल के लिए है। हेयर ए इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हेयर ए इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इंटरवल, ड्यूरिंग इंटरवल क्या टी, टी इंटरवल में ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब आगे जो बात है वो क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये एक v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, ये इनिशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो v इज इक्वल टू v नॉट u प्लस ए टी इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका कहते हैं कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, याद रहे फॉर्मूला। अब इसी तरह से मान लीजिए कि ये टाइम जो है वो टी है और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल टी, इन टाइम इंटरवल टी इज व्हाट, फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इंटरवल टी इज इक्वल टू, एंड देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, दिस इज व्हाट। एंड डिस्टेंस ट्रेवल, अब टाइम इंटरवल लगा है तो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा। लेट डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस इंटरवल, लेट एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इंटरवल टी, टाइम इंटरवल टी, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू इस वेलोसिटी टू टाइम, देन देयरफॉर then what will happen, distance s is equal to velocity into time, distance is equal to velocity into time, distance is what, velocity into time, velocity into time, ye hota hai। ab ye s is equal to, therefore s is equal to v naught plus v by 2 into time t, and t is what, so here we can write that further can be written as v naught plus v is equal, we also written as v naught plus ut at, है ना, divided by 2 and whole multiply by t, so that will be v naught plus v naught is equal to 2v naught divided by 2 is v naught, and therefore s comes here v naught t, t will multiply this side, plus half at multiply by t is at square, so this one is called second equation of motion, this one is called second equation of motion, ये second equation of motion है। इसमें भी अब distance along x axis and distance along y axis position vector के terms में express किया जा सकता है, this is called second equation of motion, second equation of motion, ठीक है, यह है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद है कि आपको यह समझ आ रहा होगा। इसी बात को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो हमने कहा है यहां पे ध्यान से देखिए, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इन दोनों का, ये जो दो पॉइंट हैं उनके कुछ पोजीशन वेक्टर रहे होंगे, और इन पोजीशन वेक्टर के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर मान लीजिए कि इसका पोजिशन वेक्टर है आर, यहां पर इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर आर है, P अगर ये पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर R मान लेते हैं, और यहां से ये पार्टिकल जो है Q तक गया है तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कितना, R डैश, ये R डैश है, तो R और R डैश, चाहे इसको R नॉट मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इनिशियल पोजीशन है तो R नॉट मान लिया, व्हेन टाइम इज T नॉट एंड वेलोसिटी इज V नॉट, देन पोजीशन इन R नॉट, एंड यहां पे पोजीशन वेक्टर कितना हो गया R,
ये अब r माइनस आर नॉट, ये जो वेक्टर एडिशन होगा यहां से यहां तक का, ये क्या होगा, यहां से यहां तक का जो होगा ये जो इसने ट्रेवल किया है वो कितना होगा, तो ये यहां से यहां तक का होगा, यही पोजीशन होगा चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में होगी, दैट इज आर माइनस आर नॉट। आर माइनस आर नॉट यही जो डिस्टेंस है जिसको आप एस कह रहे हैं, ये होगा आर माइनस आर नॉट। तो आर माइनस आर नॉट जो ये है डिस्टेंस जिसको हमने एस कहा था, जिसको हमने एस के नाम से जाना था कि ये है एस। तो ये एस क्या है, बेसिकली आर माइनस आर नॉट है, एस इज नथिंग एल्स बट आर माइनस आर नॉट। सो हियर एस इज इक्वल टू, एस इज नथिंग एल्स बट आर माइनस आर नॉट। मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर साइन नहीं देंगे। सो इफ यू पुट इन अबव इक्वेशन आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड देयर फोर आर पोजिशन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल विल बी लाइक दिस, आर इज इक्वल टू आर नॉट, ये है वी नॉट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, इस टर्म में याद रखेंगे। एस जो है वो डिस्टेंस कहा जाता था, और डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं थी, यहाँ आर पोजिशन वेक्टर के टर्म्स में है, इसलिए इसमें डायरेक्शन भी होगा, और इसमें जो डायरेक्शन होगा वो पोजिशन के हिसाब से ही होगा। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी विल बी गिवन बाई आर इज इक्वल टू आर नॉट वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर आर एंड आर नॉट, वेयर आर नॉट एंड आर द पोजिशन वेक्टर्स, आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ टू पोजिशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज वी नॉट एट टाइम इज इक्वल टू जीरो एंड वेलोसिटी वी एट टाइम टी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये होता है, आपको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पोजीशन वेक्टर भी आप जानते हैं कि आर को हम दो टू डायमेंशन मोशन में कर रहे हैं, तो उसको भी आर को कैसे लिखते हैं, आर एक्स एक्स आई प्लस वाई जे ऐसे। तो यहाँ पे यानी इसमें भी एक्स और वाई की बातें होती है, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होता है। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है आर की, अगर पोजिशन वेक्टर जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है मान लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू हुज पोजिशन वेक्टर इज आर, बी एक्स कॉमा वाई, यानी ये जो हमने पॉइंट लिया है इसमें एक का नाम P दे देते हैं, दूसरे का नाम Q दे देते हैं, ये P दिया हुआ है इसका नाम Q दे देते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। तो x, y अगर इसका कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब है कि ये x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हम देखेंगे, y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो देखेंगे। तो x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, देन वी कैन राइट हियर, देन डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज देन डिस्प्लेसमेंट along x-axis and y-axis, x-axis and y-axis is given by
इज गिवन बाय, क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू, आर के दो कंपोनेंट होंगे एक्स आई वाई जे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा एक्स नॉट, इनिशियल कोऑर्डिनेट उसका एक्स नॉट और वाई नॉट मान लेते हैं, तो एक्स नॉट प्लस कितना, तो ये होगा वी नॉट एक्स टी, वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ऐसे होगा, एंड वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ एक्सलेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर. So this will be two equations that you need to remember. ये x naught और y naught क्या है, उसकी initial positions हैं जो हम मान लेते हैं यहाँ पे है. x naught और y naught, ये जो point है P, इसका coordinate है x naught y naught. ठीक है, तो x naught y naught ये इसका initial positions है, यहाँ से हमने calculate कर लिया, और यहाँ पर x जो है x naught से x कितना हुआ, तो ये हुआ changes x minus x naught, ये हुआ x माइनस एक्स नॉट, यानी बेसिक जो चेंजेज हुई अलोंग x एक्सिस दैट विल बी x माइनस एक्स नॉट ओनली, राइट ना, x माइनस एक्स नॉट, और y एक्सिस के अलोंग जो हुआ वो भी y माइनस y नॉट हुआ. ठीक है, तो ये होगा x माइनस एक्स नॉट एंड y माइनस y नॉट, कोई दिक्कत, तो ये आप समझ गए, और मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी. आइए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. ये लिखा है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू जीरो विद वेलोसिटी 5.0 आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड वेलोसिटी. इसका मतलब है कि वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो अलोंग एक्स एक्सिस है. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इज 5.0 यानी 5 सिंपली लिख सकते हैं आई मीटर पर सेकेंड, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस. In xy plane and under action of force, constant acceleration, acceleration is also given. And acceleration is what? 3.0i लिखा है. That is 3i plus 2j, 2.0j लिखा है. Meter per second square. ये है meter per second square. तो meter per second square. ये इसका दिया हुआ है acceleration. हमें क्या निकालना है? What is the y coordinate of the particle at instant? If its x coordinate is 84 meter, यानी पार्टिकल जब चल रहा है तो उसकी x कोऑर्डिनेट, जब x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस 84 मीटर पे है, तब y कोऑर्डिनेट कितना है. तो वी हैव लर्न सो फार दैट r इज इक्वल टू पोजिशन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम r नॉट, इनिशियल यहाँ r नॉट क्या दिया हुआ है, ओरिजिन दैट इज जीरो, प्लस v नॉट t प्लस क्या हाफ a t स्क्वायर. This is what we have learned. और हमने ये सीखा है, तो चूंकि ओरिजिन से स्टार्ट करें इसलिए इनिशियल पोजिशन जीरो है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे. हम लिख देंगे R is equal to हो गया V naught T. V naught T का मतलब क्या हो गया, V naught है 5 I T plus half A. A का मतलब क्या है, 3 I plus 2 J into T square. This is what. अब इसमें X coordinate और Y coordinate कैसे निकालते थे, तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होता था, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू v नॉट x t प्लस हाफ a नॉट a x t होल स्क्वायर, a x t होल स्क्वायर, a x t स्क्वायर. ठीक है ना, ये होता था. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें है दिया हुआ है कि ये 84 मीटर है, x कोऑर्डिनेट है 84 मीटर, और v नॉट x t क्या दिया हुआ है, 5 आई टी स्क्वायर, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे तो सिर्फ 5 टी स्क्वायर. आई इसलिए कि ये भी डिस्टेंस अलोंग एक्सिस से है, तो यहाँ आई लिख सकते हैं, और आई आई सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल. तो ये हो गया 5 टी स्क्वायर प्लस हाफ, एक्सलेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, 3 है, तो ये लिख देंगे 3 और टी स्क्वायर फिर लिख देंगे टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा. अब इसको कैलकुलेट करें तो टी की वैल्यू निकाल सकती है, और टी की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ हो गया 5t, यहाँ पे t स्क्वायर नहीं है, सॉरी दिस इज ओनली t, सो t है, तो यहाँ हो गया 5t, 3t स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10t हो जाएगा ये, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 160 इक्वल टू जीरो, ये हो गया 168 इज इक्वल टू जीरो.
अब टी की वैल्यू निकालना है आपको, वन मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, है ना। सो फर्दर दिस कैन बी स्प्लिट इनटू 3t² + 28t, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, -18t - 168 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से पहले दोनों में से t कॉमन ली जा सकती है, सो इफ यू टेक t कॉमन देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बी 3t + 28, और इसमें से 18 क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 6 कॉमन ले सकते हैं, तो दैट विल बी 3t + 28 इज इक्वल टू 0। सो 3t + 28 × t - 6 इज इक्वल टू 0, चूंकि t टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर दिस, सो t - 6 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू 6। सो t हैज बीन कैलकुलेटेड 6 सेकेंड, टाइम इज कैलकुलेटेड एज 6 सेकेंड। ऑल्सो वी नो y इज इक्वल टू, y डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल देते हैं, y इज इक्वल टू वी नॉट टी, वी वाई टी, वी नॉट वाई टी, तो वी नॉट वाई टी नहीं है यहाँ, वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए वी नॉट टी नहीं है वेलोसिटी में, ये जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट ओनली है, इसलिए ये जीरो है। यहाँ पे 1/2 और ए वाई क्या है, एक्सलेशन अलोंग वाई एक्सिस जो है वो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2j, तो एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस 2 है, और टाइम कितना आया है ये अभी कैलकुलेट कर लिया हमने, 6 × 6 = 2 से 2 कट गया, ये हो गया 36 मीटर। सो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस इज 36 मीटर एंड डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज 84 मीटर। So question is there that what will be the coordinate of y coordinate of particle at instant when x coordinate is 84? तो x coordinate जब 84 होगा तो y coordinate 36 होगा। उसके बाद b part पूछ रहे हैं कि speed of the particle at this time, speed of particle बताना है इसने, यानी final speed बताना है after 6 second, we have to calculate final speed after 6 second। तो स्पीड फाइनल कैसे निकालेंगे, तो ये भी वेलोसिटी को हम आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, है ना, और वेलोसिटी मिल जाता है उसको डिफरेंशिएट करने। सो नाउ वी कैन राइट वेलोसिटी बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट प्लस ए टी, है ना, और वी नॉट यहाँ पे ओरिजिन है, वी नॉट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5i, तो ये हो गया v इज इक्वल टू 5i, है ना, 5i और प्लस a, a क्या है, a है हमारा एक्सलेशन दिया हुआ है 3i + 2j, ये है एक्सलेशन और टाइम क्या है 6 है, तो ये हो गया पूरा वेलोसिटी इज इक्वल टू 5i + 6, 3j 18i + 6 2j 12j, एंड दैट इज 18i + 5i इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना, 23i, दैट विल बी 23i + 12j, राइट। सो वेलोसिटी इज दिस एंड और आपको यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है वो 23 है और y कंपोनेंट जो है वो 12 है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसका मॉडुलस निकालते थे, और मॉडुलस लेने पे क्या हो जाता था, मॉडुलस लेने पे ये हो जाएगा अंडर रूट क्या 23² + 12² 23² इज व्हाट, 23 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 5, 3² 9 एंड 3 × 6 × 12 5 and 4 529 + 144 एंड दैट विल बी नो 5 and 129, 144 is what? That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, that is less. So 676 if it was, then it will be 26² of this, and if it is not a 676, then it will be approximately slightly lesser than 26. You can write approximately 26 meters per second, or exact if you want to write, then you have to calculate the square root of this. The square root कैसे निकालेंगे इसका,
स्क्वायर रूट आप इसका 676 3 का निकाल सकते हैं ऐसे, 2 से कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 जो 4 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 4 हो गया, 2 7 3 आ गया, यहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 125, 2 प्लस 2 4 ये हो गया, और 4 5 जो 20 ये सॉरी ये हो गया 225। तो ये है तो ये हो गया 4 और यहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 एंड 2 22, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 13 में से 5 गया 8 और 5 में से ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, 6 में से 2 गया 4, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ये हो गया 50। अब यहाँ पे आप डेसिमल रखोगे, 5 रख दिए थे डेसिमल रखोगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे अब रखेंगे आप 5 रखेंगे 9 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, तो ये 25.9 आ जाएगा, ठीक है ना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 तो ये आ जाएगा 25.9। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही मैंने कर दिया, तो आप अप्रोक्सीमेटली 26 मीटर पर सेकेंड आंसर लिख सकते हैं, और इसको अगर कैलकुलेट ही करना चाहते हैं तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने आपको स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका बता दिया है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पहले से पता होगा, आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं, या ये रफली आइडिया हो गया कि 25.96 मीटर पर सेकेंड होगा अप्रोक्सीमेटली, तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो होपफुली यू गॉट ऑल दीज थिंग्स, ये समझ में आपको आ गया होगा, तो आपकी क्या एप्लीकेशन है, और अगली क्लास में हम बात करेंगे, इस लेक्चर में इतना ही, अगली क्लास में हम और बात करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है और उसके कंसेप्ट पे हम बात करेंगे। तब तक इतना अच्छी तरह से समझिए, और इस पे आने वाले न्यूमेरिकल को उम्मीद है कि आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिले आप सॉल्व कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आए तो हमें लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये सारी एजुकेशन ना आपको फ्री में दी जा रही है, इसकी कोई चार्जेज नहीं है, और इसलिए दी जा रही है कि ताकि दूर दराज में बैठे बहुत से डिप्राइव्ड लोग एजुकेशन पा सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, इस चैनल को देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अभी इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।